मेदम पाताल कन्या जमा तीया एनआरसी निन तई गई सिप्रीम कोर्ट केस खलाई जाक तई पासपोर्ट एमेंडमेंट एक दिन तई गई सिप्रीम कोर्ट केस खलाई जाक तई सीए निन तई गई सिप्रीम कोर्ट केस खलाई जाक साल गदक मारंग कोरोना वायरस बेमा हया निबांग गई हियरिंग इंग्लिया खलाई गई दंमनी तबाव हाहाय न्यू हियरिंग इंफी खा लाइ थांगनाय 5 सेप्टेम्बर र पासपोर्ट एमेंडमेंट एक नि हियरिंग गई थांखा तबाव हाहाय न्यू 12 तारिख सीए नि हियरिंग इंफी खा बसकांगो बो सीए नि हियरिंग इंफी नाय तै एनआरसी नि बो हियरिंग फिनाय ओ हियरिंग रग्न नुगुय लुकु रग्नि सोमों आसाय गै दंखा मेदम पाताल कैना न एनआरसी नि रां खांगै सियाबो सीए नि रां खांगै सियाबो पासपोर्ट एमेंडमेंट एक नि रां खांगै सियाबो हनै जे हनाय रग्न लुकु रग्नि सोमों आसाय गै दंखा नि रग अम हाय खलाय गै पब्लिक रग्न मिस गाइड खलाय गै जे तंगमानि नि रग जे नुंग्रा राजनीति थोंगै दंमानि बेलायखेनो जाया नि रग जे अम हाय खलायगै जे पाब्लिक रग्न अरय परय खायगै दंमोननि बेलायखेनो जाया निरगनि अमहाय दंमोन हाया सित्रा न याकालायदि निरग अमहाय खलायगै सिनि बराव रग्न थकगुइ बान्देगै दंमोननि बेलायखेनो हाया हनै लुकु रग्नि गायसा ककचारमो तै लुकु रग्नि सोंमोन निरग जे जागा जागा थांगो लामा का सलायो खलायलायै पाताल कैना गु बेग पाताल कैना रांकी फिल्ड रदि हनै निरग जे हलायगै दंमोनि जे त्रिपुरा मथानि संगठननि बरक रग जागा जागा मेदम पाताल कैना न लामा का सलायो टावलायो बुलायो गारि तखरलायो खलायै दंमोनि रग बेलायखेनो जाया निरगनि जे अम हाय खलायै राजनीति नुंग्रा राजनीति खायमोनि जाया निरग नि निरग राजनीति खायनायखे खायलायगै दंदि गाहा खलायगै दंदि जत्तननो जानिजा अधिकार जानिजा खरां पिसावनि रदि निरव पब्लिक रग्न अम हाय खलायगै रां खां सियाव अबगु हनै निरव मिस गाइड खलायगै डालार सावै दंमोनि बेलायखेनो जाया ताबक जे हाहायनो निरव दमा हनै निरव पाताल कैना न हफियो नाय पाताल कैना न साफियो नाय हनै लोको रग्नि गायसा सोंमों ताबक हियारिं रग उंगै दंमोनि नुगुइ दंमोनि परे सानो निरव बतमा साफियो नाय निरव बाहायखेबो पब्लिक रग्न मिस गाइड खायफियो नाय हनै लोकराव बेलायखेनो वाना जाग्लाय जाग बेलायखेनो किरि जाग्लाय जाग तै निरव अम हायख्लायगै सिनि बरग रग्न अरय परय ताखायसिदि हनै लुकु रग्नि गासा कयमों गैदोंमोनि लुकु रग्न अम हायख्लायगै निरव थाखगुइ बान्देगै राजनीति थोंलायगै दंमोनि बेलायखेनो जाया गोजा निरव अम हाय राजनीति नुंग्रा राजनीति ता थोंलायदि निरव जे अम हायख्लायगै जेलेस नांलायगै निरव दंमोनि बेलायखेनो जाया निरवनि निरव राजनीति खायलायदि राजनीति थोंलायदि अम हाय जेलेस तानांलायदि अम हायख्लायगै गायसातै गायसान दालार फुनुगलायै तलाबो खिख्लायगानि तानायलायदि हनै लुकु रग्नि गायसा ककचारमों तै लुकु रग्नि ककचारमों निरगनि जे राजनीति थोंलायमोनि व निरगबा दालारमां दे राजनीति थोंलायगै दं अम हायख्लायगै दालार राजनीति दा थोंलायदि हनै लुकु रग्नि गायसा ककचारलाय Tripura People's Front, 1A, NGO, Socio Political Organization. We filed the case 2019. आप लोग क्या जानना चाहती है मेरा पास वो सिटीजन से अमेंडमेंट केस का बाड़ी में 2019 से त्रिपुरा पीपल्स की तरफ से केस फाइल किया तो टू ईयर्स जैसा पेंडेमिक के कारण से ये बॉन हुआ आज फिर ये चालू हो रहा है तो ये केस मैं कंटिन्यू करेंगी क्योंकि सी ए का मैटर या देश का मैटर है और देश का भविष्य का मैटर है और इमाइग्रेंट्स का जो इशू है वो मोदी आने के बाद ही वो सबसे अवेयरनेस हुआ और सारा देश में इमाइग्रेंट्स का जो इशू है वो मोदी आने के साथ साथ ही आया तो ये मोदी का जो सीएए मैटर है हम सब स्टेट का एक साथ नहीं हो सकती है क्योंकि स्टेट अलग अलग कंडीशन है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी आसाम और त्रिपुरा एंटायर द नॉर्थ ईस्ट इसको सेग्रीगेटेड किया गया और कोर्ट जो करेगा वो हम सब मानना पड़ेगा एज ए इंडियन सिटीजन एंड गवर्नमेंट तो जरूर मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वो सब हम लोग मानना है और कोर्ट का विचार का धारा से आज इंडिया बची है आसाम और त्रिपुरा जो सेग्रीगेटेड किया गया है उसको मैं फुल ऑनर करती हूँ और मेरा गवर्नमेंट भी वो ऑनर करेगा और आसाम और त्रिपुरा का अलग सिटीजन से अमेंडमेंट एक्ट को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा मेरा उम्मीद है विश्वास है तो अभी भी एनजीओ का जो केस है वो कंटिन्यू करेगा और
मेरा पार्टी का जो सिदान है, पार्टी का सिदान पार्टी का तरफ से होगा, मेरा एनजीओ का जो एक्टिविटीज है वो एज एनजीओ का तरफ से वो केस कंटिन्यू रहेगा। मेंबर ऑफ द पीपल फ्रंट यू प्रेसिडेंट आई थिंक आई एम पॉलिटिकली वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बीजेपी। लेकिन आसाम और त्रिपुरा के लिए सब जगह के एक होने के लिए केंद्र सरकार ने कहा नहीं कहा आज तक? आसाम और त्रिपुरा, आसाम एंड त्रिपुरा को केंद्र सरकार भी अलग तरीके से देखने के लिए आज भी वो कैंपेन है। आज जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के करीबन 200 रिट पिटिशन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ पूरे देश भर से, वाज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में लिस्टेड थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के खंडपीठ में। तो अगला डेट उन्होंने 31 अक्टूबर का फिक्स किया है, और जैसे पहले भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, आज भी उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि आसाम, त्रिपुरा और बाकी उत्तर पूर्व के जो स्टेट्स है उनका केसेस सेग्रीगेटेड होंगे, उनके केसेस अलग से सुना जाएगा। और आसाम और त्रिपुरा को स्पेसिफिकली ऑर्डर में डायरेक्ट किया है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट 4 हफ्ते के भीतर ही फाइल करें, क्योंकि ये आश्चर्यजनक बात है कि आज तक दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिट पिटिशन में अपना रेस्पॉन्स नहीं फाइल किया है। और साथ में कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है और पूरा देश को ये मुद्दा इफेक्ट करेगा, तो शायद ऑरली ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि शायद वो इस मैटर को 3 जज बेंच में रेफर करने का वो सोच रहे हैं। तो हम उम्मीद लगाते हैं कि अगला तारीख से शायद ये मैटर 3 जज बेंच के आगे रेफर होगा, और 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट प्लीडिंग्स जिसको जो भी फाइल करना है वो फाइल करके कंप्लीट करने कहा है, और 31 अक्टूबर को उन्होंने लगाया है फर्दर डायरेक्शंस के लिए।